वो छील लिए हैं, इसको वॉश कर लेते हैं। इसके बाद मिक्सी जार में इसको धोकर पीस लेंगे। गरम होने के बाद इसमें घी डाल दिए हैं, देसी घी है अपना हाथ का। एक चम्मच दे दीजिएगा। दो नारियल को पीस लिए हैं मिक्सी जार में। लोग बोलिएगा नारियल में तो पानी रहता है, ये नारियल में तो तेल रहता ही है, आप लोग समझिएगा। तप्पर भी दे दिए घी, कच्चा नारियल था ना, इसको भून लेंगे अच्छे तरीके से रेड होने तक, पानी जब तक सूख न जाए तब तक। ये भूज के निकाल लिए हैं नारियल को, देखिए रेड हो गया है। यहाँ आधा केजी से थोड़ा कम दूध लिए हैं, इसको थोड़ा उबाल आने देंगे, दूध में गाढ़ापन आने देंगे। आप लोग थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, मैं खुद मोबाइल पकड़ती हूँ, खुद वीडियो बनाती हूँ। ये दूध सोख गया, अब इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी या इलायची हम साथ में मिक्सचर में पीस लिए थे, इस दोनों को डाल देंगे। अच्छे से इसको भूनेंगे, चीनी भूनने के बाद पानी छूटेगा। देखिए चीनी भूनने के बाद पानी छूटने लगा। ये बन के रेडी हो गया, कितना अच्छा फ्लेवर आया, ये हाथ से चेक कर सकते हैं। लस लस करने लगेगा तो हो जाएगा, हो गया है मेरा, अभी चिप चिप करने लगा, हो जाएगा तो गैस को ऑफ कर दीजिए। मेरा तो हो गया, मैं गैस को ऑफ कर दे रही हूँ। ठीक है, ठंडा होने देती हूँ, उसके बाद आप लोग को दिखाती हूँ। फिर ठंडा होने के बाद दिखाती हूँ बना के लड्डू। देखिए हम कढ़ाई में से निकाल लिए हैं, ठंडा हो चुका है, इसका लड्डू बना रहे हैं। देखिए कितना प्यारा बना है, आप लोग बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। देखिए रेडी हो गया है बनके। आप लोग को चाहिए तो आप लोग आइए, कमेंट में लिखिए आप लोग को ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, भर भर के प्यार दीजिएगा। देखिए लड्डू भी बन गया मेरा और चाय भी बन गया। बाय बाय।